चलिए बाइट करते हैं, एक मिनट भाई, चलो बाइट करते हैं। आप फुटेज ले लीजिए, चला जा फटफट मजा बहुत बड़ा माइक है। वन बाय वन करना, चल आ जा। जाना चाहिए वैलेंटाइन डे के मौके पर, ये बहुत ही ग्रेट आप भी यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या थॉट है आपके, क्या विचार? मेरा विचार आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा से शाकाहारी होने का और जानवरों के प्रति करुणा दिखाने का के हक में रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि वैलेंटाइंस डे बहुत मजा लिया, अब कुछ ऐसे लोगों को भी प्यार देना चाहिए जो प्यार हमारी तरह मांग नहीं सकते, यानी कि जानवर। आप देखते हैं सड़कों पे वो किस हाल में रहते हैं, कभी उन्हें चोट लगती है, कभी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, खाने को नहीं होता, घर नहीं होता। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। मैम आप कितना मानते हैं कि बाई करने के बदले अडॉप्ट करना चाहिए एनिमल्स? मैं पूरी तरह मानती हूँ, मेरे हमेशा पेट्स अडॉप्टेड ही रहे हैं और उन्होंने मुझे बहुत खुशी दी है। जितनी खुशी मैंने उनको दी उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मुझे खुशी दी है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। बहुत प्यार से रहते हैं और सिर्फ इस वजह से नहीं कि क्योंकि वो हैं और उन्हें घर चाहिए कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए, पर एक्चुअली जो हिंदुस्तान के, जो यहाँ के कुत्ते बिल्ली, जो यहाँ के जानवर है, वो यहाँ के तापमान, यहाँ के हैबिटेट, यहाँ के खाने पीने से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए हमें अडॉप्ट करना चाहिए। मैम सोशल साइट में हमने बहुत देखा है कि एनिमल्स के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, कैट्स डॉग्स उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि बहुत मतलब बुजदिल लोग हैं जो जानवरों पे अत्याचार करते हैं, क्योंकि जानवर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, और वो अक्सर वैसे लोग हैं जो साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं, जो जानवरों पे अत्याचार करते हैं, और वही लोग आगे जाके इंसानों पे भी अत्याचार करते हैं। अमेरिका में एक रूल पास हुआ है, जो CIA FBI है, वो पुलिस है, वो रिकॉर्ड रखती है उन लोगों का जो जानवरों के साथ अत्याचार करते हैं, कुत्ता बिल्ली, क्योंकि ये पाया गया है कि जो जानवरों के साथ बेदर्दी से अत्याचार करते हैं, उन पर पटाखे फोड़ते हैं, उनके शरीर का कुछ अंग काटते हैं, उन्हें अंधा करते हैं, इस तरह की चीज़ें, वो उनके दिल में कहीं वो ख़त्म हो जाता है प्यार किसी भी जीवित प्राणी के लिए, और वो आगे चल के वो लोग खून करते हैं, तो वो लिस्ट में आ जाते हैं। जी 2017 भी स्टार्ट हो चुका है। जी जी आप ये क्या कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे जो धमाका करने वाली है? बहुत सारे अच्छी फिल्में रही इस साल। सबसे बड़ी जो फिल्म आएगी वो फ्रेंचाइज फिल्म है फुकरे, और मेरी एक इंटरनेशनल फिल्म भी है लव सोनिया, वो भी आएगी साल के मध्य में कभी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उनके अलावा एक मेरी सीरीज आ रही है एक्सेल के साथ, उसका नाम है पावर प्ले, जो क्रिकेट के बिहाइंड द सीन्स पे। एक आखिरी सवाल, वैलेंटाइन डे के अलावा वुमेंस डे भी कुछ टाइम के बाद आ रहा है, तो क्या थॉट रखती हैं आप वुमेंस को लेकर? वुमेंस डे, अच्छा अच्छा वो बता दिया आपने मुझे। वुमेंस डे के लिए आई थिंक ख्याल कुछ नहीं, बस औरतों के प्रति जो दिन प्रतिदिन अत्याचार होता जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। हमने देखा बैंगलोर में क्या हुआ न्यू ईयर्स ईव पे, फिर हमने सुना ऐसे कई हमारे नेताओं की टिप्पणी उसके बारे में जो विक्टिम्स का ही विक्टिम्स पे आरोप लगा रहे थे, तो आई थिंक मानसिकता बदलने की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। मैं बहुत ठीक हूँ। सरिन जी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के मौके पर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप भी हमने देखा जी, अपने क्या विचार अब प्रकट करना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ जाके इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनके। आई थिंक रेमेडी नाउ और कैट कैफे ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है वैलेंटाइन्स डे का, क्योंकि आई थिंक आजकल जिस तरीके से लाइफ चल रही है सबकी, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट, इंसानों के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि आप इन जानवरों के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करो, कम से कम आपको अनकंडीशनल लव तो मिल जाएगा इन रिटर्न।
एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव क्योंकि यू नो मोर एंड मोर पीपल को आगे आना चाहिए एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से यू नो इंसानों को फील होता है जानवरों को भी फील होता है जानवर भी उनके पास भी ज़िंदगी है और यू नो देयर लाइफ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज आवर लाइफ ऐसे नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे आर एनिमल्स यू नो जस्ट इग्नोर देम एंड ट्रीट देम बैडली बिकॉज आई कीप सेइंग सो मेनी वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे एनिमल्स के साथ क्रूरिटी की जा रही है दिवाली के टाइम पे कुत्तों के मुँह में पटाखे जला रहे हैं एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द होल आइडिया कि भाई कर क्यों रहे हैं ऐसा यू नो उनकी भी जान है उनको भी तकलीफ होती है सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये कैट कैफे स्टूडियो और रॉमेडी नाउ साथ में मिलकर ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि प्लीज़ गिव एज मच लव एज यू कैन टू द एनिमल यू नो help and support in every manner that you can choti si choti cheez bhi kaam aati hai and what you get in return is unconditional love unlike humans are not going to leave you in I mean real life how much you believe in adopting instead of buying the dogs cats whatever you know I strongly believe in adopting kyunki you know buying is somewhere jaise ho jata hai na ki aapne एक ख़रीद लिया है ताकि आपकी घर की शोभा बढ़ा दे मैच हो जाए आपके घर के साथ बिकॉज एनिमल्स आर नॉट शो पीसेज यू नो दे हैव टू बी ट्रीटेड एज अ लाइफ एंड मेरे खुद के पास 10 कैट्स हैं जो मैंने एक कैट को रेस्क्यू किया था ऑलमोस्ट आई थिंक 2011 में नाउ शी इज़ गिवन मी अ बिग फैमिली एंड आई हैव 10 कैट्स नाउ इट वॉज 11 एक लास्ट मैंने पास आउट हो गया बट सो I think yeah or it's just I don't know how to express this I mean when they become a part of your family when they become a part of your life they can give you so much love ki you know like family member ki jaise ho jate hain and you, when you come back from what is so funny he's saying framing is not good okay That's so I think you all should do that before rather than do it when somebody is talking yeah. right I think it's a great initiative thank you so much for this